हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर किस तरीके से जो आप होली खेलते हो, उस होली में जो बहुत ख़तरनाक टाइप का कलर लग जाता है, जो ग्रीन वाला कलर आता है, अगर कोई उसे लगा दे तो वो जल्दी छूटता नहीं है, स्किन में जैसे चिपक सा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर किस तरीके से उस कलर को हटा सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल। और जब भी आप होली खेलने जाते हो या फिर कोई घर में आता है लगाने, आप सबसे पहले सुबह उठो और होली के दिन कोकोनट ऑयल अपने पूरे बॉडी में लगा लो। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर स्किन में होली का रंग से अगर किसी भी प्रकार का एलर्जी होना रहेगा तो वो उसे बचा देगा। इसीलिए हमें होली के दिन कोकोनट ऑयल पूरे बॉडी में अच्छे से लगा लेना चाहिए। तो मैं आज आपको हाथ में करके बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने कलर लिया है। तो ये कौन सा कलर है? ये वही कलर है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं कि कलर छूटे ना। इस टाइप का कलर बहुत लोग लगा देते हैं। मैं देखिए अभी अपने हाथ में ले कर दिखाऊँगी। ये देखिए, ये ग्रीन वाला कलर है, ये जल्दी छूटता नहीं है, अगर कोई लगा दे तो पूरे स्किन में जैसे चिपक सा जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीके बताऊंगी जिससे आपको परेशानी नहीं होगी और आसानी से कलर भी छूट जाएगा, और ये घर का चीज़ों से बनाया हुआ है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना। तो मैंने पूरे हाथ में इस तरह से कलर को घिस लिया है। घिसने के बाद ये देखिए पूरा फैल सा गया है, और अभी मैं इसे 5 मिनट तक छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से मेरे हाथ में पकड़ ले और सूख जाए। क्योंकि अगर अभी मैं पानी वगैरह लगाती हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा निकल जाए, इसलिए मैं अभी सूखने दे रही हूँ। सूखने देने के बाद मैं बताऊँगी कि आप आसानी से किस तरीके से हटा सकते हो। इसको हटाने के लिए सबसे पहले कुछ आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक बाउल लेना पड़ेगा और उसमें कुछ बेसन डालना पड़ेगा। बेसन बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट होता है, जो बॉडी की जितनी भी गंदगी होती है उसे साफ़ करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बहुत अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ये ठंडक प्रदान करती है, और अगर किसी भी प्रकार का रैशेस एलर्जी अगर होना होगा, जब आप इसे लगाओगे तो आपका वो सेंसिटिव स्किन है, आपको सूट नहीं करता होली का रंग, लेकिन आप होली खेल लेते हो तो आप इस प्रकार से अगर बना करके लगाते हो बेसन, उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में एलोवेरा जेल का पौधा नहीं है तो आप डब्बा वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास था तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर पे है एलोवेरा का पौधा तो मैं एलोवेरा के पौधे का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। तो एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे भी डालिएगा। और थोड़ा सा इसमें डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, जैसे कि अगर स्किन में खुजली रैसेस वगैरह होंगी तो वो इसे रोक देगा। इसके बाद आपको इसमें डालना है कोई भी फेस वाश जो आप घर पे यूज़ करते हो, कोई भी फेस वाश आपको डालना है। इस तरीके से डाल करके आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये बहुत अच्छा एक घर का रामबाण नुस्खा बन के तैयार हुआ है। कोई भी रंग छूट नहीं रहा है, बिल्कुल गाढ़ा जम गया है। फेस में अगर कोई भी कलर बहुत ज़्यादा जम सा गया है, ज़्यादा फेस को मत रगड़िएगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा रगड़ने के बाद आपका फेस में थोड़ा छिल जाएगा आपका फेस, उसके बाद लहरेगा बहुत। तो जब आप इससे अपना कलर छुड़ाते हो अपने फेस की, तो आपको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आपको लगा लेना है। वो तरीका आगे मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने हाथों से नहीं घोल रही हूँ, मैं अपने मम्मी के हाथों से घोलवा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में कलर लगी हुई थी, इसीलिए मेरी मम्मी इसे अच्छे से पेस्ट बना दी है थोड़ा सा पानी डाल के। ये आप देख सकते हो ये कितना अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ। ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें जो कि नेचुरल चीज़ से मैंने इसको बनाया है, कोई भी केमिकल चीज़ यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको कलर लगा हुआ है, आपको अपने हाथों को या फेस को सबसे पहले पानी से धोना है, सादा पानी से धोना है। सादा पानी से आप धोओगे तो ये थोड़ा छूट जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा सा पानी से ही छूट गया, लेकिन इसके बाद नहीं छूटता। इसके बाद ये स्किन में बिल्कुल पकड़ा सा रहता है।
इसी प्रकार से सबसे पहले आपको पानी से धो लेना है। आपको ना कोई फेस वाश लगाना है, ना ही साबुन लगाना है, ना ही कोई आपको फोमिंग एजेंट का यूज़ करना है। आपको बस वही चीज़ लगाना है जो आप घर पर बना करके तैयार किया हो। जैसा कि आप देख सकते हो, पानी के बाद मैं इसको लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इंस्टेंट ये हट जाएगा। तो वो जो पैक बन करके तैयार हुआ था, उसे अच्छे से लगा करके जहाँ भी आपको लगाना है, फेस पे लगाना है, फेस का कलर हटाना है, तो आप वहाँ पे अच्छे से रब करते रहो। तो आप देख सकते हो कि रब करने से धीरे धीरे जो पक्का कलर हाथ में लगा हुआ था, वो धीरे धीरे सिंक में टिपक रहा है। और आप ये सोच रहे होगे कि इसे कितने देर तक रब करना है, तो ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 मिनट इस पैक को लगा करके रब करना है। ये नहीं कि आपको आधे घंटे तक इसे रब करते रहना अपने फेस में, या फिर आप अपने नेल्स की हेल्प से रब कर सकते हो, या फिर कोई कपड़ा लेकर के रब कर सकते हो। कपड़ा से भी ये अच्छा हटेगा। तो मैं अपने नेल्स की हेल्प से इसे रब कर रही हूँ। धीरे धीरे आप देख सकते हो कि इसका कलर छूटने लगा है, और ये कोई हार्म नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से मैंने आपको बताया ना कि फेस छिल जाता है और फेस बहुत लड़ता है। मुझे तो बहुत हुआ था लास्ट टाइम, इसलिए मैं इस बार ऐसा ही करूँगी, इसी प्रोसेस को अपनाऊँगी, ताकि मेरा जो कलर है वो आसानी से छूट जाए, क्योंकि फेस का लहर बहुत दिन तक रह गया था। इसके बाद आप देख सकते हो कि लगभग छूट गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा तो स्टेन रहेगा ही, ये आपका 1-2 दिन में चला जाएगा। इसके बाद जब अगर आप साबुन लगाओगे तो थोड़ा और कलर निकल जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी साबुन लगा के। साबुन लगा के जब मैं अपने हाथों को धोऊंगी तो और भी कलर छूट जाएगा। जैसा कि आप देखे हो, मैं 2 बार साबुन लगाई हूँ, मैं रगड़ी भी नहीं थी, बस साबुन लगा के बस 2 बार हाथों को धोई हूँ, तो थोड़ा भी अगर स्टेन जो रह रहा था वो भी तुरंत चला गया। और सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताई हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा ये कलर लगभग छूट गया है, थोड़ा मोरा स्टेन है, वो भी 1-2 दिन में चला जाएगा, या फिर जब मैं 1-2 बार और साबुन लगाऊंगी तो भी वो चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, आप भी ज़रूर अपनाइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जब आप अच्छे से इसे धो लें, अपने फेस को धो लें, हाथों को धो लें, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आपके स्किन में रेडनेस हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर